अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमल सबके लिए। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नक्श, जिसका नाम है जिस औरत को बच्चा पैदा ना होता हो यानी हमल नहीं ठहरता हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं करता है, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्क्रीन पर जो नक्श नजर आ रहा बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब नक्श हमल के लिए। अगर किसी माँ बहन को हमल नहीं ठहरता हो, शादी को काफी जमाना गुजर गया हो, काफी इलाज के बाद भी कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा हो, इलाज कराते कराते थक चुकी हो, काफी पैसे की बर्बादी हो चुकी हो, मगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला हो, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श बेहतरीन मुजर्रब है, आजमूदा है हमल के लिए। इस्तेमाल कीजिएगा, फायदा उठाइएगा, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नक्श लिखने का पूरा तरीका समझाता हूँ, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये नक्श लिखना आपको तजदे यानी कि जुमेरात के दिन नक्श लिखने का जो टाइम रहेगा वह फजर की नमाज के बाद रहेगा। नक्श लिखने से पहले गरीब गुरबा में सदका वगैरह ज़रूर तकसीम कर देना, घर महल्ले के छोटे बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें ज़रूर खिला देना। नक्श लिखने से पहले बावजूद जिसमें लिबास का पाको साफ होना ज़रूरी है, जिस जगह नक्श बैठ करके लिखेंगे उस जगह का पाको साफ होना ज़रूरी है, उस जगह कोई जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई हाइजा एम सिगरेट वाली औरत हरगिज मौजूद नहीं होनी चाहिए, तनहा बैठ करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपको जो है रूहानी कुव्वतों की मदद हासिल होगी। दोस्तों, अपने जिस्म को खुशबू वगैरह मल करके लिखें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जूम करके नक्श लिखने का पूरा तरीका आसानी के साथ समझा देता हूँ, बहुत ही आसान और सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। दोस्तों, आपको जो है जिस तरीके से ये खाना बना हुआ नजर आ, इस तरीके से आपको ये खाना बना लेना। फिर उसके बाद में सबसे पहले आपको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो आदाद 786 वो आपको लिख देना है। तो दोस्तों, बस आपको जो है 1 से लेकर 9 तक इसमें जो है आदाद पुर करने हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको 1 लिखा हुआ नजर आ, तो 1 की जगह ये 1 लिख देना है, 2 की जगह 2 ही लिख देना है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको 3 लिख देना है, फिर इधर ये 4, फिर उसके बाद दोस्तों 5 नहीं है, डायरेक्ट आपको 6 लिखना है, फिर 6 के बाद दोस्तों आपको 7, फिर उसके बाद दोस्तों आपको 8 लिखना है, फिर यहाँ पर 9 लिख देना है। जब दोस्तों आप इस नक्श को तैयार कर लें, लिख लें, तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है इसका तावीज़ बना लेना है। इस तरीके कलर का तागा है, मगर आपको ग्रीन कलर का तागा तावीज़ के ऊपर जो है लपेट लेना है, इस तरीके से बांध लेना है, और चिकन पट्टी यानी कि टैप वगैरह इसके ऊपर जो है चिपका लेना है, और औरत के गले में बांध देना है। रब के फजल से, इस नक्श की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो दोस्तों हमल ठहर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत कुदरत बहुत बड़ी है, जो चाहता है वो करता है। रब अपने कलाम की बरकत से अपने बंदों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। इस वीडियो को अपने साथ ज़रूर शेयर कर देना, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।